नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। चलते अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे में। सबसे पहले शुरू करेंगे हरियाणा के पंचकूला जिला से। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, इन जिलों में सुबह के समय मौसम साफ बना रहेगा, जबकि दिन के समय एक दो जिले में आकाशीय बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन इन जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। यहाँ का दिन के समय अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा, जबकि रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अब बात करते हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले की। इन जिलों में भी पूरा दिन मौसम साफ बना रहेगा, यहाँ पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। यहाँ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा, जबकि रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। इन जिलों में मंद गति की हवाएं चलेंगी। अब बात कर लेते हैं जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी जिले की। इन जिलों में भी आमतौर पर मौसम साफ बना रहेगा, पूरा दिन मौसम साफ रहेगा, यहाँ पर मंद गति की हवाएं चलेंगी और दिन के समय यहाँ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा, जबकि रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले की। यहाँ पर भी कल मौसम साफ रहेगा, बारिश की इन जिलों में भी कोई संभावना नहीं है। दिन के समय यहाँ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आका जा सकता है, यहाँ पर भी मंद गति की हवाएं चलेंगी। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए हरियाणा मौसम की जानकारी। आपको बता दें कि हिसार मौसम विभाग और चंडीगढ़ मौसम विभाग की ओर से कल यानी कि 8 मई को हरियाणा के किसी भी जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।